इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार बोर्ड के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लालकेश्वर सिंह की पत्नी उषा सिन्हा को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार में टॉपर घोटाले के बाद लालकेश्वर सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले विशुन राय कॉलेज के संचालक बच्चा राय को भी टॉपर घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बच्चा राय को लालकेश्वर सिंह का करीबी माना जाता है। और हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीतीश, इस गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले की जो पड़ताल है वो और तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद? निश्चित रूप से, चूंकि इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी और ये बिल्कुल अब साफ हो चुका है कि टॉपर्स घोटाले में जो पूर्व चेयरमैन है इनकी संलिप्तता रही है और इनके ही संरक्षण में ये पूरा घोटाला चल रहा था। अब तक पुलिस ने जो छानबीन की थी उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में लालकेश्वर सिंह और उषा सिन्हा, इन दोनों की गिरफ्तारी काफी मायने रखती है और जाहिर है अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे राज्य से गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने जो बता रही है, पुलिस की जो पास जो अभी तक जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि दूसरे राज्य से गिरफ्तारी हुई है और उनको यहाँ पटना लाया जाएगा, फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, अरेस्ट वारंट भी पुलिस ने लिया था, लगातार कोशिशें हो रही थी झारखंड में और यूपी, इन दोनों जगहों पर पिछले दो दिनों में लगातार पुलिस ने छापेमारी की थी और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई है। लालकेश्वर सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब पुलिस उन दोनों को लेकर पटना आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितेश।